राइटिंग करने वाला हूँ, वो क्वेश्चन रीड करता हूँ। आज हमारे पास मैं आपके लिए जो नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ सी लैंग्वेज के वाले से, लेक्चर नंबर 4। इसमें आप लोगों को सिखाएंगे वेरिएबल्स, आइडेंटिफायर्स और कीवर्ड्स, इनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनकी टाइप्स देखेंगे, उसके अलावा आइडेंटिफायर्स और वेरिएबल्स का आपस में क्या रिलेशन है, उसके अलावा हमारे पास कीवर्ड्स का क्या करदार है सी लैंग्वेज। तो चलते हैं हम उनके बारे में, तो बिला तहीर हम देखते हैं कि उनके बारे में ये क्या चीज़ें हैं। जी आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 4, जो सी लैंग्वेज का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम बात करेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं और कीवर्ड या रिजर्व वर्ड क्या होते हैं। तो चलते हैं हम अपने काम की तरफ। ठीक है, मैंने इसकी स्लाइडें बनाई हुई आप लोगों को, बारी बारी देखते हैं इसको डिटेल में। तो मैं ये पावर पॉइंट में आपको लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं पावर पॉइंट को ओपन करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास आता है वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या है, इनके बारे में हम बात करते हैं। तो वेरिएबल्स में सबसे पहले चीज़ देते हैं, वेरिएबल्स आर नेम्ड मेमोरी लोकेशंस, यानी मेमोरी सेल्स होते हैं। ये असल में क्या होते हैं, मेमोरी लोकेशन होते हैं, वो जगह होती है जहाँ पे हम कोई भी डाटा स्टोर कराते हैं, जो इनपुट लेते हैं या जो प्रोसेसिंग के दौरान हम डाटा को स्टोर करा रहे होते हैं, वो असल में वेरिएबल में स्टोर होता है। विच आर यूज टू स्टोर प्रोग्राम इनपुट डाटा एंड इट्स कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो इसका मकसद मैंने पहले बता दिया है कि इसका मकसद क्या होता है, जो हम इनपुट दे रहे हैं उस डाटा को स्टोर करवाना, और जो कंप्यूटेशन से बाद जो हिसाब किताब के नतीजे में जो रिजल्ट उसने सॉल्व करने हैं, सॉल्व करने के नतीजे में उसको रखना है, तो वो भी सेव करता है। आगे बात होती है वेरिएबल नेम्स क्या हैं, ये हम बात करते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स नेम जो है, नेम असाइन टू ए मेमोरी लोकेशन आर कॉल्ड वेरिएबल नेम। तो हम मेमोरी लोकेशन को जो नाम असाइन करते हैं उसको कहते हैं ये वेरिएबल नेम है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वेरिएबल्स, ठीक है, आर लाइक कंटेनर्स इन कंप्यूटर मेमोरी। तो बिल्कुल इस तरह ही है जिस तरह हम कंप्यूटर में बर्तन के खाली होते हैं तो उसके अंदर हम जो भी रख सकते हैं, तो इस तरह वेरिएबल्स भी एक कंटेनर की तरह हैं, ठीक है, जिसमें हम कुछ भी डाटा रख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास। नेक्स्ट है वेरिएबल्स कैन स्टोर वैल्यूज, वेरिएबल कैन स्टोर वैल्यूज एंड दीज वैल्यू कैन बी रिट्रीव्ड आर मॉडिफाइड। तो वेरिएबल जो है वो क्या करते हैं, वेरिएबल जो है वो वैल्यू रखते हैं और इन वैल्यू को हम जब चाहें ले सकते हैं और इसमें तब्दीली कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वेरिएबल नेम्स आर लोकेशन इन मेमरी वी आर वैल्यूज कैन बी स्टोर फॉर यूज बाई प्रोग्राम। तो वेरिएबल जो है नेम, वो ऐसे नेम जिसमें हम कोई भी वैल्यू स्टोर करते हैं जो कि प्रोग्राम के अंदर होती हैं। लास्ट पे हमारे पास लिखा है ऑल वेरिएबल्स मस्ट बी डिफाइंड विद ए नेम एंड ए डाटा टाइप बिफोर दे कैन बी यूज्ड इन प्रोग्राम। तो प्रोग्राम में इस्तेमाल करने से पहले हम वेरिएबल को कोई नाम देते हैं और उसकी दूसरी कोई टाइप होती है, यानी डाटा टाइप्स होती हैं, चाहे वो इंटीजर हो, शॉर्ट हो, लॉन्ग, डबल, स्ट्रिंग, कोई भी हो सकती हैं। तो वेरिएबल का एक तो नाम होता है, दूसरा उसकी डाटा टाइप होती हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब आते हैं टाइप्स के लिहाज से लोकल वेरिएबल कौन सा होता है। तो लोकल वेरिएबल असल में वो होता है जो मेन के अंदर डिक्लेयर किया जाता है, मेन के अंदर हम लिखते हैं और ये मेन से बाहर उसका स्कोप ख़त्म हो जाता है। तो कहता है पैरामीटर्स एंड वेरिएबल्स डिक्लेयर इनसाइड द डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन आर लोकल टू डैट फंक्शन ओनली, दे कैन ओनली एग्जिस्ट इनसाइड द बॉडी ऑफ डैट फंक्शन वंस द फंक्शन रिटर्न्स द वेरिएबल्स नो लॉन्गर एग्जिस्ट। तो इसका मतलब ये है कि ये एक फंक्शन के अंदर हम इसको डिफाइन कर रहे होते हैं, जिस तरह मैंने बात की मेन फंक्शन के अंदर हम इसको लिख रहे होते हैं। तो जैसे ही वो वैल्यू रिटर्न कर देता है वापस मेन को और हमें रिजल्ट दे देता है, उसके बाद ये इसकी जो है लाइफ ख़त्म हो जाती है, ये ख़त्म हो जाता है, इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो ये होता है हमारे पास लोकल वेरिएबल। तो नेक्स्ट टाइप हमारे पास है ब्लॉक वेरिएबल। ब्लॉक मतलब जिस तरह हमने पहले भी बात की हुई है, पढ़ा हुआ था, मैंने बताया था कि ब्लॉक क्या होता है, हमारे पास दो ब्रेसेस और उनके अंदर जो कोड होता है तो वो कोड ब्लॉक कहलाता है। तो वो इतना हिस्सा क्या है, एक ब्लॉक होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास दो ब्रेसेस के अंदर जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करवाएंगे वो सिर्फ उस ब्रैकेट्स के अंदर ही जिंदा रहेगा, बाहर उसकी जो है वो कोई वैल्यू नहीं और वो मर जाएगा, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी और उसको हम यूज़ नहीं कर सकते।
तो कहता है वेरिएबल्स डिफाइंड इन साइड ए ब्लॉक आर अलाइव इन साइड दैट ब्लॉक ओनली विद इन ए लूप। लूप के अंदर कोई भी हम लूप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, फॉर है, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, या इफ स्टेटमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमने अगर डिफाइन कर दी है तो वो सिर्फ उसके अंदर ही वो जिंदा रहेगा। आउटसाइड द ब्लॉक दोज वेरिएबल डू नॉट एग्जिस्ट, तो मतलब क्या है, तो वो ब्लॉक के बाहर वो एग्जिस्ट नहीं करते, वो वजूद उनका नहीं होता। नेक्स्ट टाइप उसकी आ जाती है हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल जो होता है ये मेन से पहले हम डिक्लेयर करते हैं, यानी जो हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टर उसके साथ हम बयान कर रहे होते हैं। जिस तरह हमने पहले स्ट्रक्चर में बात की थी, प्री स्ट्रक्चर डायरेक्टर जो है वो शुरू में होता है, जिसको हैश से शुरू किया जाता है। तो ये मतलब है मेन से पहले इसको डिक्लेयर करता है, और ये इसका फ़ायदा ये होता है आप प्रोग्राम को कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, तो इसमें मसला नहीं होता। तो वेरिएबल्स डिफाइंड आउटसाइड एनी फंक्शन डेफिनेशन आर ग्लोबल वेरिएबल, फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो ए जी मसाला डिफाइनिंग सम वेरिएबल्स आप बिफोर मेन फंक्शन, जैसे हम मेन फंक्शन से पहले बयान करते हैं, एनी फंक्शन कैन चेंज एस एस ग्लोबल वेरिएबल, तो कोई भी फंक्शन को हम चेंज कर सकते हैं ग्लोबल वेरिएबल के जरिए, ठीक है, क्योंकि ये सबसे बाहर होता है, ब्रॉड बैंड होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास क्या है, आइडेंटिफायर्स आ गए। अब आइडेंटिफायर्स क्या है, असल में ये हम वेरिएबल को रिप्रेजेंटेशन हम जो करते हैं वेरिएबल की, उसको आइडेंटिफायर्स कहा जाता है। तो कहता है आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स यूज टू रिप्रेजेंट वेरिएबल्स, तो आइडेंटिफायर वो नेम होते हैं जो वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और या कॉन्स्टेंट होते हैं, या टाइप्स होते हैं, या फंक्शन होते हैं, या हम कह सकते हैं और लेबल होते हैं इन द प्रोग्राम। तो ये मतलब है आइडेंटिफायर आर द नेम यूज टू रिप्रेजेंट वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट्स टाइप्स फंक्शंस एंड लेबल्स इन द प्रोग्राम। नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक शुरू में लगाया है नेमिंग रूल्स इन सी प्रोग्रामिंग। इसको हम आइडेंटिफायर्स के अंदर हम बयान करते हैं कि रूल कौन से हैं जिसको हम मद्देनजर रखते हुए वेरिएबल्स डिक्लेयर कराते हैं। तो पहला रूल लिखा हुआ है कि एनी कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स नंबर्स अंडरस्कोर मे बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम, तो हम कोई भी लेटर या नंबर को हम या अंडरस्कोर को यूज़ करते हुए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये लीगल है, दुरुस्त है। नेक्स्ट कहता है वेरिएबल नेम इन सी एंड सी शार्प आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब ये होता है कि अगर छोटा है तो हम छोटा इसको यूज़ करेंगे, अगर बड़ा है तो बड़ा ही यूज़ करेंगे, स्पेलिंग का छोटा बड़े करेंगे तो एरर देगा। जैसे मिसाल के तौर पर सम, देखिए समाल जो है सम के जो वर्ड है सारे जो हैं कैरेक्टर जो हैं वो छोटे लिखे हैं, इज़ डिफरेंट फ्रॉम सम और सम। इस सम में देखें बड़ा ऐसे लिखा हुआ है, बाकी छोटे हैं, और इसमें तमाम वर्ड बड़े हैं, तो ये तीनों एक दूसरे डिफरेंट हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है वेरिएबल नेम कैन नॉट बिगिन विद ए डिजिट, ई.जी. फर्स्ट नेम इज इलीगल। एक बात जिन शीन कर ले हमेशा के लिए बैठा रहे दिमाग में कि कभी भी वेरिएबल का नाम के साथ पहले डिजिट नहीं हम लिख सकते, पहले डिजिट से बराबर हिंसा नहीं यूज़ नहीं कर सकते। हाँ हम उसको दरमियान में यूज़ कर सकते हैं या आखिर पे इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शुरू में हम डिजिट इस्तेमाल नहीं कर सकते वरना एरर आएगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं वेरिएबल नेम कैन कंटेन नंबर एट एनी अदर पोजिशन, ठीक है, जैसे स्टूडेंट टू इज लीगल, तो मतलब है फर्स्ट पे हम नहीं ले सकते, कहीं और जहाँ में जहाँ मर्जी हम यूज़ कर सकते हैं, दरमियान भी यूज़ कर सकते हैं या आखिर पे हम यूज़ करते हैं, ये दुरुस्त है, लीगल है, इसमें कोई एरर नहीं आएगा। नेक्स्ट है वेरिएबल नेम कुड बी स्टार्टेड विद एंड अंडरस्कोर, ठीक है, स्टूडेंट नेम, जैसे ये देखिए हम मतलब अंडरस्कोर लगा के भी हम नाम लिख सकते हैं, बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू डू सो, वेरिएबल बिगिन विद अंडरस्कोर आर यूज्ड ओनली इन स्पेशल लाइब्रेरी रूटीन्स, मतलब है कि ये इतना ख़ास हम यूज़ नहीं करते इसको, क्योंकि ये ख़ास लाइब्रेरी में इसको इस्तेमाल किया जाता है, तो लिहाजा इलीगल तो नहीं है लेकिन हम इसको बहुत कम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास There can be no abandoned blanks or special character in a variable name. तो मतलब दो वेरिएबल अगर हमने नाम के अंदर दो रखे हैं तो उसके अंदर स्पेस डाल दिया या कोई हम स्पेशल करैक्टर यूज़ कर रहे हैं तो फिर वो एरर देगा। मसलन के तौर पर देखें लिखा हुआ ग्रॉस उसके बाद स्पेस इसके दरमियान में जो कि स्पेशल करैक्टर है सैलरी, तो इज़
इलीगल बिकॉज इट कंटेन स्पेस बिटवीन ग्रॉस एंड सैलरी, क्योंकि ग्रॉस और सैलरी के दरमियान स्पेस, इसलिए ये इलीगल है। या पर्सन रेट, तो ये पर्सन जो है स्पेशल करेक्टर है, तो इसकी वजह से भी ये क्या है, इज इलीगल बिकॉज इट कंटेन स्पेशल करेक्टर। तो स्पेशल करेक्टर की मौजूदगी में भी ये गैर जरूरी होता है, गलत होता है और ये एरर देगा। नेक्स्ट क्या है, द नेम कुड बी रिटर्न एज स्टूडेंट नेम। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि स्टूडेंट लिखा उसके बाद नेम का जो पहला वर्ड कैपिटल लिख दिया है। नोटिस इफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सेकंड पार्ट, तो हमने क्या सेकंड पार्ट का स्टार्ट में कैपिटलाइजेशन से बराबर पहला वर्ड बड़ा लिख दिया है, तो इस तरह भी हम लिख सकते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ चुके हैं, कहते हैं की वर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट यूज एज आइडेंटिफायर, जैसे फ्लोट है आर वेरिएबल नेम इज इलीगल बिकॉज इट इज रिजर्व आर की वर्ड्स। तो जैसे हमारे पास कुछ रिजर्व वर्ड ऐसे होते हैं जो प्री डिफाइंड वर्ड होते हैं, जो किसी मखसूस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको हम आइडेंटिफायर्स के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते, जैसे फ्लोट है वेरिएबल है। तो ये इसकी और बेशुमार मिसालें हैं कि हम आइडेंटिफायर के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है, दे कुड बी अंडरस्कोर टू सेपरेट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिंगल वेरिएबल नेम। तो हम अंडरस्कोर के जरिए उनको सेपरेट कर सकते हैं और ये दुरुस्त है, इलीगल नहीं है बल्कि लीगल है। जैसे स्टूडेंट नेम, ये एक बात दुरुस्त है कि हम दो नाम जो है डिफरेंट कर सकते हैं अंडरस्कोर के जरिए। जी नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास ये नेमिंग कन्वेंशन कम्प्लीट हो चुकी है। तो नेक्स्ट है कि डिफाइनिंग मोर देन वन वेरिएबल, तो यानी एक से ज़्यादा वेरिएबल किस तरह हम डिक्लेयर कर सकते हैं एक ही लाइन में। तो कहता है मोर देन ए सिंगल वेरिएबल नेम ऑफ सेम टाइप, जिनकी टाइप एक जैसी हो, ठीक है, कैन बी डिफाइंड आर डिक्लेयर इन ए सिंगल लाइन बाय सेपरेटिंग ईच वेरिएबल नेम विद ए कॉमा। तो हम उनको दरमियान में एक कॉमे के जरिए सेपरेट करेंगे। जैसे मैंने मिसाल दिया, देखिए दो वेरिएबल हमारे पास है, इंट रोल नंबर, इंटीजर टाइप का रोल नंबर है और इंटीजर टाइप का ही मार्क्स है, तो दो अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर करवाए हुए हैं, तो इसको हम इकट्ठा लिख सकते हैं। जैसे देखिए अभी मैं बता रहा हूँ, अबव टू वेरिएबल्स कैन बी डिफाइंड इन ए सिंगल लाइन एज फॉलो, जैसे इंट रोल नो कॉमा मार्क्स, दोनों वेरिएबल जो हैं एक ही लाइन में और एक ही टाइप के ऊपर हमने डिक्लेयर करवा दिए हैं। इस तरह आप बेशुमार डिक्लेयर कर सकते हैं जिनकी टाइप सेम होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है, कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स, ये वो वर्ड्स होते हैं जो प्री डिफाइंड हैं, जो यानी मखसूस किए गए हैं सी लैंग्वेज में या सी प्लस प्लस लैंग्वेज में, ठीक है, जिनका कुछ ख़ास मकसद होता है, इनको हम वेरिएबल के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कहता है सम वर्ड्स मे नाट बी यूज इन एज आइडेंटिफायर एज दीज वर्ड्स हैव स्पेशल मीनिंग इन सी एंड सी शार्प एंड सी प्लस प्लस आर कॉल्ड रिजर्व वर्ड आर की वर्ड्स भी इसको बोलते हैं। तो सम जो है रिजर्व वर्ड इन सी एंड सी प्लस प्लस एज फॉलो, जैसे डिफॉल्ट हैं, डू हैं, डबल हैं, एल्स हैं, इनम हैं, एक्सटर्न हैं, फ्लोट हैं, ठीक है, उसके बाद फॉर हैं, गो टू हैं, इफ हैं, इंट हैं, लॉन्ग है, रजिस्टर हैं, रिटर्न हैं, शॉर्ट हैं, साइंड हैं, साइज ऑफ हैं, स्टैटिक हैं, स्ट्रक्ट हैं, स्विच हैं, टाइप्ड एफ टाइड इफ हैं, यूनियन हैं, अनसाइंड हैं, वॉइड हैं, वोलाटाइल हैं, वाइल हैं। तो ये मैंने काफ़ी ज़्यादा लिखे हैं, इनको हम इनमें से कुछ हम यूज़ भी करेंगे सी लैंग्वेज में जब हम सी प्रोग्रामिंग जो है कोड लिखेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ आई होगी। तो मज़ीद जो है आप नए लेक्चर का आप इंतज़ार करें, ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को एक नया जो है टॉपिक समझाएंगे। जी दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि नए आने वाले जो कोर्सेज के वीडियोस हैं वो आप लोगों तक पहुंच सकें। तो इंशाल्लाह हम जल्द ही इसका नया लेक्चर लेके आएंगे आप लोगों के सामने, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।